शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कपिल नगर थाने के हवलदार मनोहर पाटिल ने प्रकरण दर्ज नहीं करने के बदले में 3,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस हवलदार को एसीबी ने रंगे हाथ धर दबोचा है। पीड़ित युवक का आरोप है कि उसके खिलाफ धमकी देने का मामला थाने में पहुंचा था। शिकायत के आधार पर हवलदार ने युवक को थाने बुलाया। पहले उसे धमकाया, बाद में उसने प्रकरण को गंभीर बताते हुए उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करने की चेतावनी दी। युवक के हाथ पांव फूल गए। मनोहर पाटिल ने प्रकरण दर्ज नहीं करने के बदले में युवक से 3,000 रुपयों की रिश्वत मांगी थी। सौदा 2,500 रुपयों में तय हुआ। युवक ने अपने एक मित्र के साथ जाकर एसीबी में शिकायत कर दी। शुक्रवार की शाम एसीबी ने मनोहर पाटिल को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। काल दिनांक 12/6/2020 रोजी एक 42 वर्षीय तक्रारदार आपल्या इथे आले होते। त्यांचं एका मित्राचं प्रेम प्रकरण होतं एका मुलीसोबत। तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला ती तक्रार केली, मुलीच्या वडिलांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली। त्यावरून हे जे आरोपी आहेत पाटील हेड कॉन्स्टेबल यांनी दोन्ही पार्टीच्या लोकांना पोलीस स्टेशनला बोलवलं आणि त्यांना समजूत घातली। समजूत घातल्यानंतर आई वडील वगैरे घरी गेल्यानंतर पाटील यांनी मुलाला बसवून ठेवलं, ज्या मुलाबद्दल तक्रार होती त्याला। आणि हे जे आपले तक्रारदार आहे हे पण मुलाच्या सोबतच तेव्हा होते आणि आई वडील निघून गेल्यानंतर त्यांना सांगितलं की याला जर घेऊन जायचं असेल याच्यावर 376 किंवा 354 कुठलाही गुन्हा दाखल होऊ शकतो, याला जर तुम्हाला घेऊन जायचं असेल आणि गुन्हा दाखल करायचा नसेल तर मला 3,000 द्या। त्यानंतर तक्रारदार आपल्याकडे आले, तक्रार दिली, आपण तक्रारीची पडताळणी केली। त्यात त्यांनी तडजोडीयंती 2,500 देण्याबाबतचे म्हटले, मागणी केली। त्याप्रकारे आपण 2,500 घेऊन तक्रारदाराला पाठवले, सापळा रचला, त्यात त्यांना 2,500 घेताना रंगे हात पकडण्यात आले। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागडे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज, नागपूर।